नमस्कार, आप देख रहे हैं एनयू स्टूडियो और मैं हूं आपके साथ जेबा अली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उन्नाव की कुछ खास खबरों के साथ। उन्नाव जनपद के विकास खंड सफीपुर के प्राथमिक विद्यालय गोपालपुर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत शिक्षिका हिमांशी यादव को मिला योग्य में पुरस्कार। जनपद के शिक्षकों में खुशी का माहौल, सभी ने शिक्षिका को दी बधाइयां। योग दिवस के अवसर पर उन्नाव में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शशांक शेखर सिंह ने शहर के आध्या रिजॉर्ट में सैकड़ों लोगों के साथ में किया योग। उन्नाव से कुलदीप यादव की खास रिपोर्ट। लखनऊ के थाना गोमती नगर अंतर्गत हनीमैन क्रॉसिंग पर दो युवक की ट्रेन से कट जाने के कारण मौत हो गई। मौके पर थाना गोमती नगर पुलिस मौजूद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाइयां दी और साथ में ये संदेश दिया कि सभी को योग अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए और कहा कि योग संपूर्ण जीवन पद्धति, जीवन का अनुशासन है। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य योग के स्वाभाविक परिणाम है। नवे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लखनऊ एयरपोर्ट पर भी किया गया योग। योग कार्यक्रम में CISF एयरपोर्ट कर्मचारी, ATC तथा नागर विमानन पत्तन के कर्मचारियों ने भी भाग लिया और विभिन्न मुद्राओं में योग किया। लखनऊ में बसपा मुख्यालय में लगी तीन बड़ी प्रतिमाएं गायब हो गई। ये प्रतिमाएं काशीराम अम्बेडकर और मायावती की थी। ये प्रतिमाएं हटाने की वजह क्या रही अभी इसका स्पष्ट नहीं है। कंस्ट्रक्शन रिनोवेशन के कारण ऐसा किया गया या फिर ये फिर से लगेंगी या फिर इनकी जगह कोई और प्रतिमाएं लगाई जाएंगी, ये भी सवाल अभी उठ रहा है। लखनऊ से निखिल जायसवाल की खास रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की सभी ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें एनयू स्टूडियो।